तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इफ फॉर्मूला में नेस्टेड इफ की। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम की, या फिर हम ग्रेडिंग सिस्टम की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा डेटा बनाता हूं कि नेम हो गया और ये हमारा स्टोर हो गया। नेम में हम यहाँ पे जैसे नाम पूजा वगैरह दे देते हैं, और स्टोर में भी हम अपने स्टोर नहीं है, स्कोर करता हूँ, गलती से स्टोर हो गया। और यहाँ पे मैं अपनी रैंक बिटवीन का फॉर्मूला लगाता हूँ। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं इसको नॉन करता हूँ नोट से। इसमें मुझे स्कोर देना है, ये हमारे नेम्स हो गए हैं, इनके नेम हो गया, और यहाँ पे जो रिजल्ट्स है वो स्कोर हो गया। तो मुझे इस पे ग्रेड देना है, ग्रेड तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड देना है, उनका स्लैब है। जैसे कि 0 to 40 हुआ तो हमें यहाँ पे इसको देना है सी ग्रेड, 41 to 80 हुआ तो देना है, या 60 करता हूँ, 60 हुआ तो देना है बी ग्रेड, और 60 to 90 देना है हमें ए ग्रेड, और ग्रेटर देन 90 को देना है ए प्लस। अब ये चाहता हूं मैं यहां पे देखिए ग्रेड। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ का। हम देख रहे हैं कि 0 से लेकर 100 मतलब कोई भी नंबर लिखे, इसके लिए हमारे स्लैब में कुछ ना कुछ दिया हुआ है। तो मैं यहां दूंगा कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो यहां दे सी ग्रेड। देन अगेन इफ हमने सेट किया अगर ए, अब यहां पे हमें एंड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्लैब है, हम घटते हुए क्रम में चलते हैं। तो हमने लेस देन इक्वल टू 60 कर दिया और बोला बी ग्रेड। तो यहां पे ध्यान रखिए कि अगर 40 से कम होगा तो फिर इस सी ग्रेड दे देगा और इस इफ को रन नहीं करेगा। इस इफ को रन तभी करेगा जब हमारा 40 से बड़ा हो। सेम उसी तरह से अगर 60 से बड़ा है तो यही पे रिजल्ट देगा और इससे आगे आने वाले फॉर्मूले को स्किप कर देगा, नहीं तो फिर हमें यहाँ तीसरा कंडीशन लेना होगा जो कि है कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 90 है तो यहाँ दे ए ग्रेड। सेलेक्ट किया कि अगर ग्रेटर देन 90 है तो यहाँ पे दे ए प्लस, और लास्ट में बहुत सारे ब्रैकेट है उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछेगा और आप यस कर दीजिए, आपका ब्रैकेट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। आप देखेंगे आपकी ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे तैयार है। दोस्त नयन जी और बाकी लोग जो भी है, कोई डाउट इसमें? डाउट नहीं है। हेलो, ये समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा टेक्स्ट का जो कल बताया था अपने, उस थोड़ा बता दीजिए टेक्स्ट में, जैसे पास या फेल लगाने से। हेलो, सुन रहा हूँ मैं।
जैसे ये तो अभी एक नंबर के ऊपर हो गया, टेक्स्ट के ऊपर, जैसे टेक्स्ट में मैं लगाना चाहता हूँ 5 या 6, तो लास्ट में जैसे दो टेक्स्ट लगाए थे आपने कोट कोट के अंदर, तो उसका एक एग्जांपल बता दीजिए थोड़ा नेक्स्ट एंड वाली बात कर में। रहे हैं जैसे हमने किया था। नहीं, नेक्स्ट वीक में और हाँ, टेस्ट। जैसे आप बोले कि मेरे पास दो कंडीशंस हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे नेम देता हूँ और यहाँ पे हमारा जैसे कि स्कोर है, मान लीजिए कि 3 राउंड है हमारे इंटरव्यू के, पहला राउंड, दूसरा राउंड है हमारा क्या बोलते हैं उसको ऑपरेशन, और तीसरा राउंड है हमारा मेल। अगर तीनों राउंड में है तो मुझे यहाँ पे सिलेक्टेड देना है, अदरवाइज रिजेक्टेड देना है, राइट। जैसे पूजा है यस हमारा तो वो एचआर राउंड में निकाल ली, इन्हें ऑपरेशंस राउंड में निकाल लिया, मेल नहीं, मेन माफ कीजिएगा, मैं स्पेलिंग मिस्टेक आ गया, मेन राउंड में निकाल लिया, तो यहाँ पे आना चाहिए सेलेक्ट। तो कैसे करें, चलिए तो यहाँ पे हम देंगे इफ, इफ पे हमने बोला कि अगर पहला राउंड इक्वल टू वाई है, मतलब कि एचआर राउंड निकल गया है, तो फिर वो चेक करो कि क्या ऑप्स का राउंड निकला है। फिर हमने ऑप्स के राउंड को सिलेक्ट किया कि क्या ए इक्वल टू वाई है, फिर वापस हमने यहाँ पे इफ लगाया और हमने मेन को चेक किया कि क्या इक्वल टू वाई है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि तीसरे इफ तक तभी पहुंचेगा जब तीनों में वाई हो, पहले को चेक करेगा, अगर वाई है तभी वो दूसरे को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो बाहर निकल जाएगा, और सेम ए भी। तो तीसरा पहुंच गया और तीसरे में है, इसका मतलब कि वो सिलेक्टेड है, अदरवाइज तीसरा में अगर मान लीजिए मेन में फेल हो गया तो रिजेक्टेड है। तो ये जो रिजेक्टेड मैंने दिया है वो हमने तीसरे इफ को दिया है, देखिए तीसरा इफ दिख रहा है ना आपको, तो हर इफ के तीन पार्ट होते हैं, पहला पार्ट आपका सिलेक्ट ए है आपका कंडीशंस, दूसरा ट्रू वैल्यू एंड फॉल्स वैल्यू। तो उसी तरह से दूसरे इफ का भी 3 पार्ट होगा, तो पहला पार्ट क्या है, लॉजिकल टेस्ट कंडीशन कंडीशंस, और दूसरा पार्ट है आपका वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स होता पड़ेगा ना, तो इसके बाद कॉमा, जैसे मैं कॉमा लगाऊंगा देखिए वैल्यू फॉल्स या हाईलाइट हो जाएगा, तो रिजेक्ट, मतलब इसका मतलब ये हुआ यहाँ रिजेक्टेड इसलिए दे रहा है कि अगर दूसरे राउंड में फेल हो गया तो तीसरे तीसरे राउंड को चेक ना करें, सीधे रिजेक्टेड दे दे। और उसी तरह से पहले राउंड में अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर वो दूसरा और तीसरा राउंड चेक न करे, सीधे यहां पे रिजेक्टेड दे। क्लियर है? आप समझ में आया आपको ये? अब हम बात करते हैं इंसेंटिव का, इसी को हम लेते हैं यहां पे और स्कोर की जगह, और सेल्स में मान लीजिए है कि 0 to 50 किया तो हमें यहाँ पे 1000 मिलने वाले हैं, 51 to 70 किया तो मिलने वाले हैं 1500, 71 to 100 किया तो मिलने वाले हैं 2500, और ग्रेटर देन 100 करता हूं तो मिलने वाले हैं 5000, राइट। तो मुझे यहां पे इसका इंसेंटिव देना है, तो यहां पे हम इफ कंडीशन लगाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और बोले कि क्या ए इक्वल टू ग्रेट लेस देन इक्वल टू 40 है, 40 नहीं 50, हाँ 50 है, ऐसा है तो यहाँ पे 500 देके बाहर निकल आओ, नहीं तो फिर दूसरा कंडीशन चेक करो, 500 नहीं 1000 था, नहीं तो फिर दूसरा इफ को चेक करेगा कि क्या ए लेस देन इक्वल टू
70 है, ऐसा है तो 1500 दो और बाहर निकल आओ। फिर इफ, अब यहाँ पे सेलेक्ट किया कि लेस देन इक्वल टू 100 है तो यहाँ पे 2500। अदरवाइज यहाँ पे मैं कंडीशन इफ का भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसके बाद तो 100 से ज़्यादा ही होगा, तो मैं डायरेक्ट 5000 बिना किसी कंडीशन के डाल सकता हूँ। यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकता हूँ, ये आपका निकलेगा। लेकिन दिक्कत है कि जीरो से है, अगर मान लो किसी ने जीरो सेल किया तो भी 1000 का इंसेंटिव है। मैं बोलता नहीं, कम से कम 5 होना चाहिए, 5 to 50 होना चाहिए। तो यहां पे कैसे करें, तो यहां पे हम इफ कंडीशन लगाते हैं कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 5 है, तो मैं लेस देन इसे करता हूँ 5 है तो 0 शो करो। यहाँ देखिए 0 शो कर रहा है, कोई डाउट सर इसमें? नो नो तो यहां पे आपकी इफ की फॉर्मूले खत्म होती है, लेकिन अब बात आती है कि आपने इफ कितना सीखा है, समझे? तो इस चीज को देखने का तरीका है कि हम कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आपको हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, और ना खाऊं, मैं एक ही खाऊंगा। एक कुछ क्वेश्चंस है उसको देखिए, समझिए। कुछ क्वेश्चन तो बेसिक है, जैसे कि मुझे इस पे कमीशन निकालना है कि अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन 60 है तो क्वांटिटी को 40 से मल्टीप्लाई करना है। इसको इफ के साथ भी करना है और बगैर इफ के करना है। क्वेश्चन टू है कि अगर हमारा मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 40 है तो पास, अदरवाइज फेल। क्वेश्चन थ्री है अगर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 200 तो STD, अदरवाइज लोकल। क्वेश्चन नंबर फोर है कि अगर अमाउंट MRP इज ग्रेटर देन 500 तो टैक्स मुझे 12% कैलकुलेट करना है, अदरवाइज 5% कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर फाइव अगर ड्यूटी रात के 10 बजे से ऊपर की है तो OT दिखना चाहिए वरना NT दिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका कि S25 सब्जेक्ट 125 में 33 से ऊपर हो तो पास, अदरवाइज फेल। और इसको एंड के साथ भी करना है और आ विदाउट रहा हूँ। एंड भी करना है। क्वेश्चन नंबर सेवन, अभी जो बताया ग्रेडिंग सिस्टम, वो ग्रेडिंग सिस्टम देना है आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर एट ये रख देना लाए। है, और इसमें एक एड ऑन इंसेंटिव है कि 85 to 95 हुआ तो 800 यहां देना है। ये ना खा रहा इस टाइम में। उससे बाद है कि अगर मेरे पास ये तीन बिना है, थोड़ी पैन इंसेंटिव वोटर देने है, तो जाएगी इस टाइम पैन इस टाइम। कंपल्सरी है और इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अब क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोग बिजली का बिल कैलकुलेट किए हैं? जैसे बिजली का बिल आप इनकम टैक्स ही देख लीजिए, इनकम टैक्स बोलता है 3 लाख तक फ्री है। अगर आपने 5 लाख अगर इनकम आया है तो 3 लाख पे कुछ नहीं लगता है, 2 लाख पे आपको
10% मिलेगा। अगर आपने 8 लाख किया तो 3 लाख तक कुछ नहीं, 2 लाख पे 10% और बाकी 3 लाख पे आपको लगेगा 20%, क्योंकि स्लैब कहता है कि 0 to 3 इज 0, 3 to 5 इक्वल टू 10%, 5 to 10 इक्वल टू 20%, ग्रेटर देन 10 लाख इक्वल टू 30%। तो अगर मान लीजिए आपकी अगर 7 लाख सेल है तो 3 लाख तो आपका जीरो है, 2 लाख पे आपका 10% लगेगा, 3 to 5 और अगेन 2 लाख पे आपको क्या लगेगा, 20% लगेगा। हाँ ठीक है? तो सेम ही इंसेंटिव कैलकुलेट करना इसी तरह से, कि 40 आया तो 20 रुपये पर यूनिट, 41 आया तो 40 to 80 आया तो 60, 8 to 100 80, ग्रेटर देन 100 तो 100 देना। मतलब कि अगर किसी ने 35 सेल किया तो 35 को 20 से मल्टीप्लाई कर देना, किसी ने 45 किया तो 40 को 20 से, क्योंकि 0 to 40 20 रुपये है, और 5 को 60 से, क्योंकि 41 to 82 60 रुपये है। तो ऐसे इंसेंटिव को कैलकुलेट करना है। 10 तक कीजिए, 11वां क्वेश्चन मैं आपको खुद बताऊंगा। ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूं, जी ठीक है? जी तोष त्रिपाठी है नाम तोष राज जी आपका? हाँ प्रमोद जी आप ही है? प्रमोद जैन, हाँ यस कुंदन कुमार एंड रवि कुशवाहा। उसके बाद हम अगली कैटेगरी टैक्स फॉर्मूले की कैटेगरी आपके साथ डिस्कस करेंगे। मनोराव 01238@gmail.com। है तो सर मनुराव अच्छा मनुराव हो गया, ठीक है सर, दोस्त पार्टी है। भेज दी मैंने, तो मिलते हैं कल सेम टाइम, लेकिन फाइल बना के भेज दीजिए। ठीक ठीक बाय, गुड नाइट।